स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, द सम ऑफ टू नेचुरल और होल नंबर्स रिमेंस अनचेंज्ड इफ द नंबर्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। वो कह रहे हैं अगर आप टू होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हो, अगर आप उनकी प्लेस उन नंबर्स की प्लेसेस को चेंज कर दो तो उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक यू कैन राइट 0+12 एंड यू कैन ऑल्सो राइट 12+0 एंड द आंसर मीन्स अनचेंज्ड। दिस इज़ कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एंड द बी पार्ट इज द सम ऑफ थ्री नंबर्स रिमेंस अनचेंज्ड, मीन्स इफ यू राइट थ्री नंबर्स to get the sum, you can write the numbers in this order and you can also use this second order when the answer remains unchanged. This is called the associative property of addition. And the next one is place value. So what is place value? Each digit has a fixed position called its place value. Her amount ke andar her digit ki apni koi na koi value hoti hai, jisko hum bolte hain place value of the digit. Isko nikalne ka hamare paas ek formula hai, wo dekh lete hain. Place value of the digit multiply by value of the place. अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 58 में से 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी तो आपने फॉर्मूला यही वाला यूज़ करना है, ठीक है? देख लेते हैं 5, ठीक है, फेस वैल्यू 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू का मतलब होता है नंबर इटसेल्फ। 5 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ द प्लेस के 558 के अंदर कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? वो टेंस में आ रहा है, 100 में आ रहा है, 1000 में आ रहा है, टेंस में आ रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू क्या आया आंसर हमारा? 50। मीन्स के 58 के अंदर 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 50। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसी मेथड के थ्रू आपने निकालनी है 8 की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू का डिजिट 8 इज 8 नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाई बाय एंड द प्लेस एंड द वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑफ डिजिट 8 इज 1 यूनिट में आ रहा है। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8 और 8 की जो प्लेस वैल्यू क्या निकली है? 8। सी मोर एग्जांपल्स 5264 और यहाँ पे जो 4 की प्लेस वैल्यू है वो है 4। Using the previous formula, 4 multiplied by 1 position is unit में आ रही है, तो 4 multiplied by 1 and the answer is 4। यहाँ पर इसकी जो 4 की प्लेस वैल्यू है वो 10 है, ओके। 4 multiplied by 10 and the place value of unit 4 is 4 and यहाँ पर है उसकी अमाउंट 100 में आ रही है, 4 multiplied by 100 and equal to 400। यहाँ 1000 में आ रही है उसकी प्लेस वैल्यू 4 की, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड द आंसर इज एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इज 4000। व्हाट इज एक्सपोनेंट नोटेशन? व्हेन यू राइट योर एनी काइंड ऑफ अमाउंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द प्लस साइन, तो आप वो उसको एक्सपोनेंट नोटेशन में राइट कर रहे होते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको इजीली वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है 58762। आपने इसको 5 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या आ रही है? 10000 में आ रही है, तो आपने यूज़ करना है डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग प्लस साइन। डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे 5 को अगर आप लिखोगे तो 50000 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने प्लस का साइन यूज़ करना है। देन 8 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या आ रही है? 1000 में आ रही है, 8000। प्लस 7 की कौन सी आ रही है? 100 में आ रही है, 700। उसके बाद 6 की कौन सी आ रही है? 10 में आ रही है, 60। 2 की आ रही है यूनिट में, प्लस 2। आपने इस अमाउंट को अब एक्सपेंडेड नोटेशन में राइट कर दिया। ये दोनों एग्जाम्पल भी सेम इसी मेथड के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट वन एक्सरसाइज 2B। स्टूडेंट्स यू हैव टू डू दिस ऑन योर बुक बाय योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आप ये बुक के ऊपर नोटबुक के ऊपर राइट करोगे इजी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ऑपरेशंस अगर आप किसी भी अमाउंट में ऑपरेशन अगर आपने ज़्यादा करना है, मीन्स अगर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, तो आपने कौन से ऑपरेशन को आपने कौन से ऑपरेटर को पहले पिक करना है वो देख लेते हैं। उसके लिए भी एक रूल है जिसको हम बोलते हैं दी मास्ट रूल। कोई भी इस तरह के अमाउंट हो तो आपने उसमें से पहले पिक करना है डिवीजन को, उसके बाद आपने करनी है मल्टीप्लिकेशन, देन आपने पिक करना है एडिशन का एंड द लास्ट वन इज सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे जो है आपने करना है डिवीजन नहीं है, आप पहले करोगे मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आप करोगे एडिशन, और लास्ट पे अगर आपका कोई भी सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा तो आपने वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये नीचे वाला भी ट्रू फॉल्स है, ये भी आप कर लोगे इजीली।
नेक्स्ट वन इज़ एमसीक्यू। एमसीक्यू सारे बहुत ईजी हैं। ये फिफ्थ वाला देख लेते हैं। वो कह रहे हैं द सम ऑफ टू थ्री डिजिट नंबर्स इज ऑलवेज अ थ्री डिजिट नंबर। वो कह रहे हैं जब आप थ्री डिजिट नंबर को ऐड करोगे तो उसका सम थ्री आएगा। नहीं, आंसर में है नॉट ऑलवेज ट्रू। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। थ्री डिजिट नंबर है मेरे पास दिया हुआ एक 111। इनको जब मैं वन बाय वन निकाल के सम लूँगी तो उसका जो आंसर आएगा वो ज़रूरी नहीं है वो थ्री डिजिट में ही आए। थैंक यू।